प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर की स्तुति हो शालोम शालोम आई ग्रीट यू ऑल इन द मैचेस नेम ऑफ लॉर्ड एंड सेवर जीसस क्राइस्ट मैं परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ इंडीड आई एम वेरी मच ग्लैड टू कम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल और मैं बहुत ही खुश हूँ आप सबके सामने आकर विद दिस प्रोग्राम इस कार्यक्रम के साथ लर्न हिब्रू आई गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर और मैं सारी आदर और सारी महिमा टू अवर एल शद्दाई और हमारे महान परमेश्वर को देता हूँ इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फेथफुलनेस और ये केवल उसकी विश्वास योग्यता के कारण है एंड द लविंग काइंडनेस और उसकी प्रिय दया के कारण दैट आई एम एबल टू कम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल टू टीच द बिब्लिकल लैंग्वेज कि मैं आप सबके सामने आ सका हूँ ताकि आपको बाइबल की भाषा सिखा सकूं आई ऑलवेज गिव थैंक्स टू द लॉर्ड और मैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ दैट ही हैज गिवन दिस प्रिविलेज टू टीच हिज लैंग्वेज To all the people. और उसने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं उसकी भाषा को आप सब लोगों को सिखा सकूं। And also I thank for all the viewers. और मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। For your love. आपके प्रेम के लिए। And your interest. और आपकी दिलचस्पी के लिए। In watching this program. इस कार्यक्रम को देखना। And also learning the biblical language. और इस बाइबल की भाषा को सीखने के लिए। Which is the Hebrew language. जो कि है इब्रानी भाषा। And also I thank for all the people those have called me and given me of their suggestions and feedbacks. और मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी दर्शकों का जो मुझे कॉल करते हैं अपने सुझावों को और अपने फीडबैक को हमें भेजते हैं By sending through WhatsApp. और व्हाट्सएप के द्वारा और थ्रू एसएमएस और एसएमएस के द्वारा इट्स रियली यू नो वेरी इंप्रेसिव फॉर मी और ये मुझे बहुत ही उत्साहित करता है एंड यू नो आई कैन सी यू नो हाउ The Lord started to bless in each one of your life as you watch this program. और मैं देख सकता हूँ कि परमेश्वर कैसे आपको आशीष कर रहा है जैसे कि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं. And this is my prayer. और यही मेरी प्रार्थना है. That every one of you to grow in the grace of our Lord Jesus Christ. और मैं चाहता हूँ कि आप सब परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते जाएं. And also in the knowledge of our Lord Jesus Christ. और उसके जो ज्ञान में बढ़ते जाएं. Well, we have been learning about the Hebrew words. और जैसे कि आप जानते हैं कि हम इब्रानी भाषा के शब्दों को सीख रहे हैं. Basing on their pictograph. और उनके चित्र रूपी आधार पे. And then what is the definition that we get from each word. और हर एक शब्द की जो परिभाषा क्या है उसके बारे में हम देख रहे हैं. And by the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह We have seen the few words. और हमने कुछ शब्दों को देखा था. It's like we have learned the word shalom. और हमने शालोम शब्द को सीखा था. So shalom, which means it's a peace. और शालोम का अर्थ है कि शांति. But at you know we have seen the shalom talks or give the definition about what. God have done for our life. और शालोम की परिभाषा हमें बताती है ये हमें ये दिखाता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया इट्स डिस्ट्रॉइंग हिज ओन सन और अपने ही पुत्र को नाश किया एंड यू नो बाय द शेडिंग ऑफ हिज ब्लड और उसका लहू बहाने के द्वारा एंड यू नो वी गॉट अ पीस बिटवीन गॉड एंड अस और हमारे और परमेश्वर के बीच में शांति सो दैट्स द रीजन इट्स अ जीसस इज अ पीस मेकर और इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है एंड देन वी हैव सीन अबाउट द वर्ड लव और फिर हमने जो प्रेम शब्द को देखा व्हिच इज अबाउट अव और जो कि है अब सो the definition that we got from the pictograph और उसकी जो परिभाषा को हम पाते हैं उसके चित्र रूप के द्वारा it's a God who watches और वो है कि परमेश्वर हमें देखता है his you know God who watches over his people or the family or even the house और परमेश्वर अपने लोगों को देखता है एक परिवार के रूप में और उनके घर को भी and then you know we have learned the word of grace और फिर हमने अनुग्रह शब्द को देखा which is about the can और जो हमने अनुग्रह शब्द को देखा जो कि है can which is about you know God's protection or God's favor will continue and will never cease और परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसकी दया हमेशा तक रहती है वो कभी खत्म नहीं होती and then we have learned about the word the presence of God और फिर हमने देखा परमेश्वर की उपस्थिति which is about shekinah जो कि है shekinah the shekinah with the Hebrew word for the presence of God और जो इब्रानी में उसके लिए है वो है कि परमेश्वर की उपस्थिति and basing on the pictograph और उसके चित्ररूप आधार पे we got About the definition, और हम उसकी परिभाषा को पाते हैं It's a God who have destroyed
और परमेश्वर जिसने नाश किया His own son or the heir और अपने ही पुत्र को for our protection or for our peace और हमारी शांति के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए So these were the words that you know we have seen even we have seen about the word Bereshith और हमने जो बेरशेत शब्द को भी देखा था So basing on the pictograph we got a definition और उसके चित्ररूपी आधार पे हम उसकी परिभाषा को देखते हैं So today I would like to continue with the few words in the Hebrew language and with the definition that we get from the pictograph aur aaj main kuch shabdon ko aur dekhunga aur aapko unke chitrarupi aadhar pe unki paribhasha ke bare mein bataunga so if you are ready aur yadi aap taiyar hain let us learn the sixth word aur hum jo chhatve shabd ko dekhenge about pictograph and the definition that we get from this word aur hum dekhenge uske chitrarup ko aur uske dwara jo paate hain uski paribhasha ko so it is about the word और ये शब्द है द वर्ड इनक्विटी और ये जो शब्द है वो है पाप द वर्ड इनक्विटी और ये जो शब्द है पाप इन फैक्ट व्हेन वी लुक इन द बाइबल और जब हम बाइबल को देखते हैं The entire Bible, which is the Old Testament and the New Testament, और पूरी बाइबल को चाहे वो नया नियम हो या पुराना नियम, we see that there are almost 20 words which are used for the word sin. और वहाँ पे हम देखते हैं कि 20 शब्द हैं जो कि उपयोग किए गए हैं पाप के लिए. It is like to say that you know we see in the Old Testament there are 12 different words which are in the Hebrew language. और पुराने नियम में हम देखते हैं 12 शब्दों को जो कि इब्रानी भाषा में. Like you know we may have only one word sin. और हमारे पास एक ही शब्द है वो है पाप. But in the Bible we see there are different words that are used for the word sin. और पाप के लिए हम देखते हैं कि बाइबल में अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया It's है like, you know, iniquity, जैसे कि जो पाप और trespasses और अपराध और transgressions और गुनाह So we see there are different words और हम जो अलग अलग शब्दों को देखते हैं basically you know what is sin in the Bible मुख्य रूप से पाप क्या है The word for sin in the Bible is kata और जो बाइबल में हम देखते हैं पाप के लिए जो शब्द है वो है कटा That's in the Hebrew language और वो है इब्रानी भाषा में The word kata और ये जो शब्द है कटा Which means और जिसका अर्थ है It's a missing the target or missing the mark और ये है कि अपने जो निशान को अपने उद्देश्य को जो भूल जाना इट्स अबाउट यू नो गॉड हैव सेट अ मार्क और परमेश्वर ने एक जो निशान को रखा है और गॉड हैव सेट अ टारगेट व्हिच एवरीवन हैव टू रीच और परमेश्वर ने एक उद्देश्य को रखा है जहाँ पे सबको जाना है एंड यू नो वेयर अ पर्सन थिंक्स दैट यू नो आई एम अटेनिंग टू दैट टारगेट और जो व्यक्ति सोचता है कि मैं उस निशाने तक पहुँच रहा हूँ बट यू नो ही रीचेस देयर इन हिज ओन वे लेकिन वो अपने ही रास्ते के द्वारा उस पे जाना चाहता है बट इट इज नॉट व्हाट यू नो गॉड एक्सपेक्ट्स दैट यू नो वी हैव टू रीच अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड एंड हिज विल लेकिन परमेश्वर इस प्रकार से नहीं चाहता परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जो मुताबिक उस निशान के ऊपर पहुंचे सो दैट्स व्हाट यू नो व्हाट इज सिन और इसीलिए जो पाप क्या है सिन इज अ हिब्रू वर्ड व्हिच इज कटा और जो इब्रानी में वो है कटा और इन द ग्रीक इट इज अमाटिया और यूनानी में वो है अमाटिया सो बेसिंग ऑन दिस टू वर्ड्स द सिन इज मिसिंग द मार्क और जो इन दोनों के आधार पे जो पाप है वो है अपने निशाने से चूक जाना बट यू नो हियर वी कम टू द वर्ड ऑफ इनक्विटी और यहाँ पे हम ये शब्द को देखते हैं जो कि है पाप व्हाट इज द हिब्रू वर्ड फॉर इनक्विटी और जो पाप के लिए इब्रानी भाषा में कौन सा शब्द है द वर्ड फॉर सिन द इनक्विटी इन द हिब्रू लैंग्वेज इट इज अवन और वो है अवन 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 सो व्हिच इज अबाउट आइन व्हिच इज साइलेंट आइन जो कि है साइलेंट वी कम टू द पॉइंट ऑफ कामिक्स और कामिक्स and then wow wow and then holem wow and final form of noon aur noon ki final so, form so avan 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 which is means it's a iniquity avan jiska arth hai ki paap but you know when we go into the pictograph lekin jab hum iske chitrarup ko dekhte hain and in the pictograph we see that avan we gives a definition where you know it talks about that a person is hooked and continues in sin और वहाँ पे हम देखते हैं जब हम इसके चित्र रूप को देखते हैं तो वहाँ से हम उसकी परिभाषा को पाते हैं लाइक यू नो व्हेन वी सी इन द पिक्टोग्राफ और जब हम इसके चित्र रूप को देखते हैं आइन आइन व्हिच इज अबाउट द आई
और जो कि है आंख एंड देन यू नो इट्स अ नून नून व्हिच मींस इट्स अ नेल और जिसका अर्थ है कि नेल इट्स अ आइन और ये है आइन व्हिच इज अबाउट आई और जो कि आंख है एंड वाव वाव व्हिच मींस इट्स अ नेल और जिसका अर्थ है कि कील एंड हियर आल्सो यू नो वी सी नेल और यहां पे भी हम कील को देखते हैं बिकॉज़ इट्स अ वाव और ये है वाव एंड देन यू नो वी सी इट्स अबाउट द फाइनल फॉर्म ऑफ नून और ये नून की फाइनल फॉर्म है व्हिच इज अबाउट यू नो द शेप ऑफ अ फिश और जो कि एक मछली के रूप में है बट यू नो व्हेन वी लुक इनटू द वर्ड ऑफ इनक्विटी और जब हम इसकी जो शब्दों की समानता को देखते हैं इट्स अबाउट आई इट्स लाइक यू नो यूअर आई और यहाँ पे इस प्रकार से है कि तुम्हारी आंख इज उक्ट So we get about your eye is hooked. Then again we see is hooked and it is continued. और यहाँ पे हम इस प्रकार से इस जो वाक्य को देखते हैं जिसका अर्थ है कि तुम्हारी आंख एक गड़ी हुई है और वो लगातार पाप करती है So it's about, you know, the word iniquity, what it means. और जो पाप है उसका क्या अर्थ है? It's again to say that, you know, your eye is hooked. और जो तुम्हारी जो आँख है वो गड़ी हुई है. So it's the word hook. और ये जो शब्द hooked है. Where, you know, it is about connected. और जिसका अर्थ है कि जुड़ा हुआ. It's like, you know, that's what, you know, we say, by looking at once, it's not problem. और एक बार देखना हम कहते हैं कि कोई समस्या नहीं. But. लेकिन. When you look for the second time, लेकिन जब आप दूसरी बार देखते हो, and then you know you are hooked, और फिर आप उसकी ओर आकर्षित होते हो, so you know you will be you know caught and you continue to do that, और आप उसमें पकड़े जाते हो, जकड़ जाते हो, और आप लगातार वही चीज को देखते हो, so that is what you know we see it as a iniquity, और यही है वो पाप, or it's about the trespass, और या फिर जो अपराध, गुनाह, you know that's what you know we see when Pharaoh. और हम देखते हैं कि जब जो फिरौन था he had confessed that you know he have sinned or you know he have done iniquity against the Lord और जब उसने अंगीकार किया कि उसने अपराध किया है परमेश्वर के विरोध में and then you know he confessed about it when the Lord have sent the plague और पर उसने अंगीकार किया और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो विपत्ति आई then you know there he confessed और फिर उसने अंगीकार किया then you know God have taken out that plague और परमेश्वर ने उस विपत्ति को जो हटा दिया but again you know the Bible says that you know he continued of doing the things against for the people of Israel by not letting them to go to the promised land और बाइबल में हम देखते हैं कि वो लगातार जो इसराइल के लोगों के विरोध में पाप करता गया और वायदे की भूमि से जाने के लिए रोकता रहा So you know that's what it's a continued और वो था जो लगातार It's a hooked and hooked और वो था कि जकड़े जाना और जकड़े जाना So that's what you know we say your eye और हम कहते हैं कि तुम्हारी आंख That's what you know it is the things that you watch और जो चीजें आप देखते हो And that things will hold you और वो आपको पकड़ लेती हैं So that's what you know in the Bible we see about the temptation of Eve और इसी तरह हम देखते हैं बाइबल में जो हवा की परीक्षा So you know there you know we see that you know it is she saw the fruit it is so good और उसने देखा कि जो वो फल है वो देखने में बहुत अच्छा It's, है you know, to look, it is so pleasure. और जो देखने में वो बहुत ही सुंदर था And then that, you know, hold her. और उसने उसे जो अपनी ओर आकर्षित किया And then, you know, she was unable to take out her eyes from that fruit. और वो अपनी आंखों को उस फल से हटाने में अयोग्य हो गई And that led her to disobey to the commandment of God. और इसी ने उसे जो इसकी ओर अगुवाई की कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया Led her to sin against the Lord. और उसी के द्वारा उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया We say that, you know, our eyes और हम कहते हैं कि हमारी आँख is the way to our mind. और वो जो हमारे दिमाग के लिए एक रास्ता है It's, you know, what you see और क्या आप देखते हैं that affects to our mind और वो हमारे दिमाग के ऊपर असर करता and है then that sends to the heart और फिर वो जो हमारे दिल में आता and है when it sends to the heart then you know we come to the point of the action और जब वो जो बात हमारे दिल में आती है तब हम उसके मुताबिक कार्य को करते and हैं that's what you know the Bible always says और इसीलिए बाइबल हमेशा कहती है we should be very much careful with our eyes और हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए हमारी आंखों की ओर what you see और क्या हम देखते when हैं when you read in the book of Proverbs और जब आप
नीति वचन को पढ़ते हो इन चैप्टर 4 और उसका अध्याय 4 को इन वर्स 24 एंड 25 और उसका 24 और 25 में देयर यू नो वी सी द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर आईज टू बी स्ट्रेट और वहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी महत्ता है कि हमारी आंखों को आगे की ओर देखना है। If you see the right and left, और यदि आप दाएं या बाएं देखते हैं, and you may lose your way, और आप अपने रास्ते को खो देते so हैं। So to focus, और जो ध्यान देने के लिए, on the target or the destiny, और अपने जो निशान, अपने उद्देश्य के ऊपर, it is very important that you know you set your eyes to the destiny. और ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी आंखों को सीधा से देखें। So that's what you know the iniquity, the word definition that we get for the iniquity is your eye is hooked and it is continued. और जो हम परिभाषा पाते हैं पाप की वो इस प्रकार से है कि जो हमारी आंखें हैं वो जब जकड़ जाती हैं तो हम जो लगातार पाप को करते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू सी और बहुत ही जरूरी है कि आप क्या देखते हैं इट्स डेविड सॉ बेथशेबा और जो दाऊद ने बेथशेबा को देखा एंड देन यू नो ही हैड फॉलन और फिर वो उसने पाप किया सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट आवर आईज और बहुत ही जरूरी है अपनी आंखों को बिकॉज़ थ्रू योर आईज यू कैन बी हुक्ड अप आपकी आंखों के द्वारा ही आप जो पाप में जकड़ जाते and हैं एंड व्हेन यू आर हुक्ड अप और जब आप उसमें जकड़ जाते and हैं एंड यू कंटिन्यूस इन दैट और तब आप लगातार उस काम को करते so, हैं अवन Oven, it's not just the word of iniquity, और ये केवल पाप ही नहीं, but it talks about, you know, the importance of our eyesight that we need to set and focus on our Lord Jesus Christ. और ये हमें बताती है कि हमें अपनी आँखों को जो परमेश्वर की ओर देखना चाहिए. Let us see the next two word. और दूसरा शब्द देखते हैं. It's a word, hope. और वो शब्द है आशा होप आशा द वर्ड होप और ये जो शब्द है आशा व्हिच यू नो वी सी इन द हिब्रू लैंग्वेज और इब्रानी भाषा में हम उसे देखते हैं इट्स द खो और वो है को खो खो सो इट्स अ खो खो व्हिच मींस होप और जिसका अर्थ है कि आशा बट यू नो द क्रिश्चियन लाइफ इज अ फुल ऑफ होप और जो एक मसीही जीवन में पूरी आशा है एंड नाउ यू नो व्हेन वी लुक इनटू दिस वर्ड द पिक्टोग्राफ और जब हम इसके चित्र रूप को देखते हैं द वर्ड खौफ और ये जो शब्द है खौफ सो यू नो वी राइट लाइक दिस और हम इस प्रकार से लिखते हैं एंड देन यू नो द वाव हैज बीन रिटन लाइक दिस और वाव को इस तरह से लिखते हैं एंड हे हैज बीन रिटन लाइक दिस और हे को इस प्रकार से लिखते हैं एंड बट यू नो व्हेन वी लुक इनटू द पिक्टोग्राफ और जब हम इसके चित्र रूप को देखते हैं सो इट लाइक यू नो खौफ इट्स द बैक ऑफ द हेड और जो कॉफ है वो सर के जो पिछले भाग को दिखाता है सो इट इज द बैक ऑफ द हेड वेयर अ पर्सन टर्न अराउंड एंड वी सी इट्स द हेड फ्रॉम द बैक साइड और जो ये दिखाता है कि जब एक व्यक्ति मुड़ता है तो उसके जो सर के पिछले भाग की ओर ये दिखता है एंड द वाव व्हिच इज टू से इट इज द कनेक्ट्स द थिंग और वाव जो की है चीजों को जोड़ना एंड द हे इज द पिक्चर ऑफ अ विंडो और जो वो एक खिड़की की तस्वीर को दिखाता है सो इट्स अ विंडो वेयर इट्स अबाउट द यू नो व्यूइंग द थिंग्स और जो खिड़की के द्वारा हम चीजों को देखते हैं और इवन यू नो इट्स अबाउट द एयर पासेस और ये जो हवा को अंदर बाहर करती है सो दैट्स द रीजन द वर्ड खो और ये जो शब्द है खो व्हिच इज होप और जिसका अर्थ है कि आशा एंड देन यू नो वी गेट द डेफिनेशन ऑफ इट और हम इसकी परिभाषा को पाते हैं सो इट It talks about the back of the head. और ये इस प्रकार से कहती है कि सर का जो पिछला भाग follows or nailed to secure. The word it's follows nailed to secure. और ये इस तरह वाक्य है कि जो सर का पिछला भाग है वो हमें सुरक्षा देता है सो इट्स अबाउट यू नो कॉफ व्हिच इज द बैक ऑफ द हेड और जो कॉफ वो है कि सर का पिछला भाग वेयर यू नो इट्स कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द फॉलोस और ये फॉलोस और द वाव व्हिच इज अबाउट द नेल और वाव जो कि है नेल मतलब कील और देन यू नो वी कम टू द विंडो व्हिच इज टू सिक्योर और जो विंडो है खिड़की है वो सुरक्षा को दिखाती so, है सो द होप ऑफ अ क्रिश्चियन और जो एक मसीही की जो आशा है इट इज अबाउट यू नो व्हिच इज नेल टू सिक्योर और वो हमें एक जो सुरक्षा की आशा देती है सो दैट्स व्हाट यू नो द क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ होप दैट यू नो वी आर सिक्योर
और जो मसीही जीवन है उसमें एक आशा है कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। Are you with me? और क्या आप मेरे साथ हैं? Are you able to understand the definition that we get from the pictograph? और क्या आप उस परिभाषा को समझ पा रहे हैं जो हमने देखा इसके चित्र रूप से? The definition that we get, it's about when we say the word hope, which means that we are secured. और जब हम कहते हैं कि आशा, उसका मतलब है कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। We have a safety in the Lord Jesus Christ. और हमें प्रभु यीशु मसीह में जो हम सुरक्षित हैं। Because that is the hope of every believer. और यही हर एक विश्वासी की आशा है। So you know, we have seen the word iniquity. और हमने देखा जो शब्द पाप को। The word iniquity in the Hebrew word, it is avon. और जो इब्रानी भाषा में उसे कहते हैं अवन। But you know, when we look into the pictograph, और जब हम उसके चित्र रूप को देखते हैं, and then you know, we see it is about your eye is hooked. और वहाँ पे हम पाते हैं कि जो तुम्हारी आंखें हैं वो जकड़ती हैं, and is hooked and it is continued to sin. और वो लगातार जो पाप को करती हैं. So that's the reason it is very important that you know you should be very much aware of what you see and how you see the things. और आपको बहुत ही जागरूक होना होगा कि क्या आप देखते हैं और उसे किस प्रकार से देखते हैं. And then we come to the point of the word hope. और फिर हम देखते हैं जो होप शब्द को, which is about the खो, और जो है कि इब्रानी भाषा में खो, which is to say follows, nailed to secure. और ये जो हमें सुरक्षा की आशा को देता है, the word follows comes from the word of, you know, it's a cough. और ये है खौफ। And the nail is a word from the vow. और जो nail के लिए वो शब्द है vow. And the secure, it comes from the letter hey. और जो सुरक्षा है वो आता है hey शब्द से। So it's about a follows, nailed to secure. और जो सुरक्षा देना प्रभु यीशु मसीह में। What is hope? और जो आशा क्या है? The hope that gives us secure in our life. और जो आशा हमें देती है हमारे जीवन में एक सुरक्षा को। It's like you know what is the specialty of a Christian life? और जो मसीही जीवन की विशेषता जो प्रमुख क्या है? It is hope. और वो है आशा। In fact, when we say hope. और जब हम कहते हैं आशा। We just say the word hope means he is only provides eternal life. और हम कहते हैं कि केवल यीशु मसीह ही है जो अनंत जीवन देता है। He only provides eternal life. और केवल वही एक है जो अनंत जीवन को देता है। So H he. और जो H he. O only. और O only. P provides. और P provide. And E eternal life. और E eternal life. It's only Jesus provides the eternal life. और केवल यीशु मसीह ही अनंत काल का जीवन and देता है. And that eternal life that we have got, it's only that He nailed on the cross. और वो हम पाते हैं क्योंकि उसने जो क्रूस के ऊपर नेल के द्वारा अपनी जान दी। So you know He had nailed that we may have a hope in our life. और उसे क्रूस के ऊपर जो कीलों से गाड़ा गया जिसके द्वारा हमें आशा so है। So the death He bore had brought a secure in our life. और उसकी जो मृत्यु हमारे जीवन में सुरक्षा को लाती है। So you know how important of learning the word according to the pictograph and the definition that we get. और कितना ही ये महत्वपूर्ण शब्द है जो हम देखते हैं उसके चित्र रूप से और उसकी परिभाषा से। So now you know, let us learn the few words that we use for in the English language for today, tomorrow and yesterday. और अब हम कुछ और शब्दों को देखेंगे जो अंग्रेजी भाषा में जैसे हम सीखते हैं आज, कल और कल। So let us learn what we say for yesterday. और अब हम देखेंगे कि जो अंग्रेजी भाषा में yesterday है उसे हम क्या कहते हैं। In the Hebrew language. और इब्रानी भाषा में। So this is the word that is used for yesterday. और ये इब्रानी भाषा का शब्द है जो कि हम उपयोग करते हैं yesterday के लिए। Yesterday. Yesterday मतलब बीता हुआ कल। So what is the word for yesterday? और yesterday के लिए जो क्या शब्द है? It's about aleph. और ये है aleph. And then segol. Segol. And then tau. Tau. And then mem. Mem. Holem vav. Holem vav. And then lamed. और lamed. So etmol. 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 Which means yesterday. और जिसका अर्थ है कि yesterday. So in the Bible, you know, we see that Jesus is same today. और बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह आज, tomorrow,
कल एंड फॉर एवर दैट ही इज सेम और जो हमेशा एक सा है सो इट्स अबाउट द वर्ड yesterday which is called as etmol aur jo yesterday hai use jo abrani bhasha mein kehte hain etmol now when we look into the pictograph aur jab hum iske chitrarup ko dekhte hain it's about ox aur ye hai jo bail aur it's about sign aur ye hai jo nishan and it's about water aur ye hai jo pani and it's a nail aur ye hai keel and then it's a staff aur ye hai jo छड़ी सो यू नो वी सी दैट और हम इसे देखते हैं वी कम टू द पॉइंट ऑफ यू नो गॉड और हम कहते हैं कि परमेश्वर हु इज जीसस इज नेल्ड एंड ही हैज गिवन अ लाइफ फॉर अस और जो क्रूस पे जो उसे लटकाया गया और उससे हमें जीवन मिला एंड ही बिकेम अ शेपर्ड टू अस और वो हमारे लिए एक चरवाहा बन गया सो दैट्स व्हाट इट्स अ टाउ इज अ साइन एंड द साइन इज अ क्रॉस और जो टाउ है वो जो क्रूस के निशान को दिखाता है एंड द मेम इज अ वाटर द फ्लोइंग वाटर और जो मेम है वो बहते हुए पानी को दर्शाता है एंड देन वाव इज अ नेल और जो वाव है जो कील को दिखाता and है एंड द लामेद इज अ शेपर्ड स्टफ और जो लामेद है वो चरवाहे की छड़ी को दिखाता so है सो इट इज यू नो वी सी इट्स अ गॉड हु डाइड ऑन द क्रॉस और परमेश्वर जो क्रूस के ऊपर मरा बाय यू नो बीइंग नेल्ड ऑन द क्रॉस और क्रूस के ऊपर कीलों के द्वारा उसे गाड़ा गया एंड देन यू नो ही बिकम अ शेपर्ड फॉर अस और वो हमारे लिए चरवाहा बन गया सो इट्स द एटमोल और वो शब्द है एटमोल एंड दैट्स व्हाट यू नो द बाइबल सेज दैट ही इज द चीफ शेपर्ड और इसीलिए जो बाइबल कहती है कि वो जो हमारा मुख्य चरवाहा so है। he is a chief shepherd who is going to appear to us. और वो जो चरवाहा हमारे ऊपर प्रकट होता है। So now we have learned the three words. और हमने जो तीन शब्दों को देखा। It's the word that we have learned. It's about iniquity. और वो शब्द था पाप। And then we have seen about the hope. और फिर हमने देखा जो आशा शब्द को। And then the word of yesterday. और फिर हमने देखा yesterday so, को। Iniquity a one. और जो पाप एक अवन और इब्रानी भाषा में उसे कहते हैं अवन एंड होप होप विच इज अबाउट खो और जो कि है खो एंड यस्टरडे और यस्टरडे इट इज अबाउट एटमोल और वो है एटमोल सो व्हेन वी कम इन द नेक्स्ट एपिसोड और जब हम अगले कार्यक्रम में आएंगे वी विल बी लर्निंग द फ्यू मोर वर्ड्स और हम कुछ और शब्दों को सीखेंगे देन आफ्टर दैट और उसके बाद में आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट व्हाट इज द ईच बाइबल बुक नेम In the Hebrew language. और मैं आपको सिखाऊंगा कि बाइबल की जो किताबों के नाम इब्रानी भाषा में It's about 66 books, like you know, we say Genesis, Exodus, Leviticus and Numbers. और जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल की जो 66 किताबें हैं And what we call each book in the Hebrew language. और इब्रानी भाषा में जो हर एक किताब को हम क्या कहते हैं So we'll be learning in the coming episodes. और आने वाले कार्यक्रम में हम उसे सीखेंगे Continuously keep us in your prayers. और लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहें. And give us your suggestions and feedbacks. और अपने सुझावों को अपने फीडबैक को हमें भेजते रहें. Continuously may the Lord bless you all. और लगातार परमेश्वर आपको आशीष करता रहे. If you have any doubt and suggestions. और यदि कोई भी शंका कोई भी सुझाव आपके पास है You can call to the number. और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं that you see on the screen, और जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे and हैं you can talk to me directly. और आप सीधे मुझसे बातचीत कर सकते हैं May the Lord bless you all. और परमेश्वर आपको आशीष दे शालोम शालोम ताउतोड़ा ताउतोड़ा